महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के गंभीर तट पर अंबोदिया के पास स्थित बिल्वेश्वर महादेव 84 महादेवों में 83वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी द्वारा जब आदि कल्प में कल्प वृक्ष की उत्पत्ति की गई, तब साथ में विल्व वृक्ष भी प्रकट हुआ, जिसके नीचे एक कांतिमान पुरुष भी प्राप्त हुआ, जो सभी अस्त्रों शस्त्रों को धारण किए हुए था। ब्रह्मा जी ने उसे विल्व कहकर संबोधित करते हुए इंद्र के आग्रह पर पृथ्वी पर शासन करने को कहा। विल्व ने वज्र की मांग की, जिसे इंद्र ने सहस प्रदान कर दिया। इस बीच विल्व और उनके परम मित्र कपिल मुनि के बीच किसी कारणवश विरोधाभास हो गया। झगड़े में विल्व ने वज्र का उपयोग किया, जिससे कपिल मुनि का सिर फट गया, लेकिन योग बल से वे वापस व्यवस्थित हो गए। जब दोनों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो सदाशिव प्रकट हुए और उन्होंने विल्व को महाकाल वन में जाकर पश्चिम में स्थित शिवलिंग की पूजन अर्चना करने को कहा। विल्व ने इस दिव्य लिंग की मनोभाव के साथ आराधना की, जिसके प्रभाव से उसकी सभी शंकाएं समाप्त हुई और उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस कारण इस लिंग को बिल्वेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर बिल्वेश्वर की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।